हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान के बारे में सुना होगा। आपको करना क्या है हमारे चैनल का मेंबरशिप लेने के लिए, जिसके फायदे बहुत सारे हैं। मैं सबसे पहले आपको फायदे बता देता हूँ। आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ आप अगर हमसे नोट्स परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 40% डिस्काउंट में जो है नोट्स प्रोवाइडेड किए जाते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे चैनल को सबसे पहले इस तरीके से, यू नो, यहाँ पर रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब करना है, और ये जो बेल आइकन है इसको दबा देना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। इसके बाद आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, बीकॉम में आना है, और यहाँ आने के बाद जो ये ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, इसको क्लिक करने के बाद एक पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स में जाकर के इस व्हाट्सएप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। इसके साथ साथ दो बेनिफिट्स आपको और मिलेंगी। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको किसी चीज की दिक्कत हो रही है, गाइडेंस काउंसलिंग की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ, यू नो, ऑन डिमांड लेक्चर्स आप बनवा सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक के ऊपर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो भी जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये बतलाता है, फंड फ्लो एनालिसिस डील्स विद द चेंज इन वर्किंग कैपिटल पोजीशन बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स, है ना, वेयर एज द कैश फ्लो एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द चेंज इन कैश पोजीशन, है ना। तो फंड फ्लो देखो, फंड फ्लो और कैश फ्लो में छोटा सा जो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है, छोटा नहीं काफी मेजर डिफरेंस है, लेकिन बहुत छोटा डिफरेंस भी है, कि फंड में जो चीजें हो रही है ना वो आपके वर्किंग कैपिटल पोजिशन को दिखा रही है, कि लास्ट ईयर में जो आपका बैलेंस शीट था उसमें आपका वर्किंग कैपिटल कितना था। प्रेजेंट टाइम में जब आप एनालिसिस कर रहे हो फंड फ्लो का, तो आपका क्रेडिट, आपका जो वर्किंग बैलेंस है वो कितना है। तो ये एक तरीके से प्रीवियस और प्रेजेंट जो वर्किंग बैलेंस होता है, वर्किंग पोजिशन कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल पोजिशन होता है, उसके बारे में ये दर्शाता है। वेयर एज जो कैश फ्लो, यू नो, एनालिसिस होता है वो जनरली जो कैश में, जो कैश के पोजिशन में जो बदलाव होते हैं उसको दर्शाता है। जैसे कि सपोज आपका स्टार्टिंग, जब आपका साल शुरू हुआ, जब आपने फाइनेंशियल ईयर का आपका बिजनेस स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे आपके पास 1 लाख रुपए थे। एट द एंड यू हैव 50,000, मींस 50,000 का जो है इसमें रिडक्शन हुआ है, पैसे जो है कहीं पे इन्वेस्ट हुए हैं। तो जो पैसों का पोजीशन था 1 लाख, वो हो गया 50,000 रुपए, समझ रहे हो आप। तो कैश के पोजीशन में वो जो है डिफरेंस, जो है जो चेंज हुआ है उसको बतलाता है कैश फ्लो एनालिसिस। वेयर एज फंड फ्लो बात करता है मेनली वर्किंग कैपिटल पोजीशन के बारे में, जिसमें आप कंपेयर करते हो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट को इस ईयर के बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कैश फ्लो एनालिसिस इज मोर यूजफुल एज अ टूल इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, whereas fund flow analysis is more useful in long-term financial planning, है ना? तो देखो, financial planning दो तरीके की होती है, इसको समझो। तो एक होता है long term, एक होता है short term। अगर आप short term की बात कर रहे हो, अगर आप short term में, you know, कर रहे हो चीजें, तो आपको जो है cash flow analysis यहाँ पे ज्यादा beneficial होगा। लेकिन अगर आप long term में बात करोगे, long term, you know, financial planning की बात करोगे, तो उस केस में आपका fund flow जो होता है वो ज्यादा important होता है। तो यहाँ पे fund flow analysis किया जाता है long term में, short term में किया जाता है cash flow। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे है, एन इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन द करंट एसेट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द कैश, वेयर एज द चेंज रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द नेटवर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, ये फंड फ्लो की बात हो रही है, कि जब आप अपनी लायबिलिटी और, यू नो, लायबिलिटी जब आप इंक्रीज होता है आपका, और करंट एसेट जो है वो डिक्रीज होता है कैश को छोड़ करके, है ना, जब डिक्रीज होता है, इज रिजल्ट इन इंक्रीज इन द कैश, है ना, वो जो आपको कैश है उसमें वो इंक्रीज करता है। एक्सचेंज रिजल्ट इन द डिक्रीज इज द नेटवर्किंग कैपिटल, और जो रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है, कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो वहां पे रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तरीके से फंड फ्लो किस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, कि फंड फ्लो लाइक किस तरीके से होगा, आपका लायबिलिटी इंक्रीज होगा, आपका एसेट डिक्रीज होगा, करंट एसेट डिक्रीज होगा अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके, और इसका रिजल्ट क्या होगा, कि आपका जो कैश है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कैश आपका बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो आपका नेटवर्किंग कैपिटल है उसमें भी रिडक्शन होता है। सिमिलरली अ डिक्रीज इन द करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन द करंट एसेट, ठीक इसका उल्टा देखो बताया जा रहा है, कि डिक्रीज हो रहा है लायबिलिटी में, इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट अदर देन कैश, रिजल्ट इन द डिक्रीज इन कैश, जिसके कारण से कैश जो है आपका घटता है, कैश घटेगा, वेयर एज चेंज इंक्रीज इन द नेटवर्किंग कैपिटल, जो चेंज होगा वर्किंग कैपिटल में वो इंक्रीज होगा। तो दोनों में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैश फ्लो फंड फ्लो में, है ना। आगे देखते हैं,
कैश फ्लो, इसको मैंने मार्क नहीं करा, इसको कर देता हूँ। ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉग्नाइजेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वेयर एज फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे सारी की सारी अकाउंटिंग जो होती हो रही होती है वो कैश के बेसिस पे होती है। कैश का पेमेंट, कैश का पैसे रिसीव करना, हर एक चीज कैश में हो रहा होता है। तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है शो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेयर एज जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। मतलब जैसे आपके पैसे एक्रू हो गए, मतलब आपको कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, एक्रू हो गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है फंड फ्लो में की जाएगी। फंड फ्लो उसको ज्यादा फॉलो करेगा, ज्यादा चलेगा उसमें, और कैश फ्लो में आपका चलता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। नाउ द फिफ्थ नंबर पॉइंट इज, फिफ्थ एंड लास्ट नंबर पॉइंट इज, कैश फ्लो एनालिसिस एक्सप्लेन्स ओनली द कॉज ऑफ कैश वेरिएशन। कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉज बताता है आपके कैश वेरिएशन का, और कुछ नहीं बताता। लेकिन फंड फ्लो एनालिसिस जब भी आप करते हो तो उस केस में आपको डिस्क्लोज द कॉजेज ऑफ ओवरऑल वर्किंग कैपिटल वेरिएशन। जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल वेरिएशन है उसके बारे में फंड फ्लो में आपको पता चलता है, समझ रहे हो। ओवरऑल चीजों को एकदम शुरू से लेकर अंत तक वर्किंग कैपिटल में जितने भी सारे वेरिएशन आ रही है वो सारी आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो एनालिसिस। बट कैश फ्लो में आपको सिर्फ कैश का वेरिएशन ही पता चलेगा। तो एक बिजनेस सिर्फ कैश पे तो काम नहीं करता ना, मेनली वो फंड पे काम करता है, कैश के ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होते हैं, राइट। तो कैश फ्लो में आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाती, फंड फ्लो में लेकिन आपको सारी जानकारी मिल पाती है। सो दिस इज इट, दिस इज द होल टॉपिक अबाउट दिस टू पॉइंट्स, जो कि था कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने आपको समझा दिया। डिफरेंस के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दोनों होता क्या है। तो इन केस अगर आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय दीज टू एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स, तो आई होप यू कैन इजीली राइट अबाउट इट, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।